यानी वहां से वीडियो पे डॉक्टर घर पे बात करेगा और पूरी सलाह देगा। और घर पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत पानी पीना है, खिड़कियां खोलनी है, पंखा चालू रखना है, आराम करना है, ज्यादा ट्रीटमेंट आगे नहीं है। तो वो डॉक्टर के साथ चर्चा करके फिर अगर टेस्ट की जरूरत पड़े तो करनी चाहिए, नहीं पड़ी तो घर पे आराम करना चाहिए। ठीक है, ये घर पे कौन रहे और कब वो समय आए जब आप अस्पताल की ओर देखें, इसको चर्चा में आगे हम इस पर चर्चा करेंगे ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। लेकिन डॉक्टर शशांक जोशी, वो सवाल जो सारे लोगों के मन में आज है वो ये कि 1 साल में हम ये समझ गए कि कोई भी लहर होती है तो उसमें शुरुआत होती है, एक पीक होता है और उसके बाद केसेस घटते हैं। अगर आज हम देश भर के घटते आंकड़े देखते हैं तो उसमें कुछ राज्य दिखते हैं, जैसे महाराष्ट्र उनमें से एक है। क्या जो 4-5 दिन के आंकड़े हैं या हफ्ते भर के जो आंकड़े हैं वो अगर एक प्लाटू या एक नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है तो क्या हम समझें कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में अब पीक का समय आ गया है और इसके बाद स्थिति बेहतर होगी या जल्दी है ये जज करना? नहीं, आपने श्वेता जी बिल्कुल सही कहा। लास्ट 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं, अप्रैल के पहले हफ्ते से मई के पहले हफ्ते तक आप देख रहे हैं कि जैसे बम्बई की केस ले लीजिए आप, तब हमारी जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट थी अराउंड 28 से 30% थी। अभी वो कम होके ये हफ्ते में करीबन आई है 10% में। डबलिंग टाइम जो था वो करीबन 38 डेज था, वो अभी 100 के ऊपर चला गया है। मृत्यु दर थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन अभी भी वो केस फेटेलिटी रेट 0.51% तक ही है। और ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस जो 11-12 हज़ार थे हफ्ते में, पहले हफ्ते में अप्रैल के, अभी मई के पहले हफ्ते में वो कम होके 3-4 हज़ार पे आ गए हैं। तो आंकड़े भी देखेंगे, नंबर्स भी देखेंगे, तो ये 4 हफ्ते में एक तो चीज दिखते हैं कि रफ्तार थोड़ी कम हुई है मुंबई में। और महाराष्ट्र में ऐसे 13 या 14 जिले हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं, उसमें से 8-10 जिलों में अभी भी प्रादुर्भाव है, कोविड है, और अभी भी वो प्लेटू पे है। लेकिन एक 4-5 जिलों में हम एक संकेत देख रहे हैं कि प्लेटू होके ये लहर कम होनी चालू होगी। हमको दो चीज़ समझनी चाहिए कि दूसरी जब लहर आती है तो उसकी तीव्रता ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, प्लेटू ज़्यादा वक्त के लिए रहता है, पहले लहर से भी ज़्यादा 2 हफ्ते रहेंगे। तो हमको लगता है कि ये संकेत और 2 हफ्ते तो रहेंगे। लेकिन दो चीज मैं आपको स्पष्ट बोल सकता हूँ कि ये लहर कोई राज्यों के कोई कोई डिस्ट्रिक्ट्स में कम हो रही है और बम्बई उसका एक उदाहरण है। जैसे आप केरल भी देखेंगे तो केरल में केसेस काफी ज्यादा थी मार्च में, और अप्रैल से उनकी प्लेटू होके अभी उनकी लहर अभी लगभग निकल गई है। तो हमको 2-3 अच्छे संकेत दे रहे हैं, और यही भारतवंश में भी होगा, जैसे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली वगैरह है, 2 हफ्ते के बाद हम देखेंगे कि वहां पे भी केसेस प्लाटू होके स्लोली स्लोली वो कम होने चालू होंगे। लेकिन उसके ऊपर दो चीज है, एक तो हमको अभी काफी निर्बंध लगाए हैं महाराष्ट्र में, काफी निर्बंध लगाए हैं, तो जब हम अनलॉकिंग करेंगे तभी हमको सही आंकड़े करेंगे। दूसरी चीज है कि हमको टेस्टिंग का जो परसेंटेज है वो कम नहीं करना चाहिए। मुंबई में अभी हम करीबन 40-50 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं, बीच बीच में टेस्ट का आंकड़ा करने का 20-25 हज़ार तक आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र में भी करीबन हम देख रहे हैं कि लगभग 60-65 हज़ार केसेस आ रहे थे, अभी वो अराउंड 50 हज़ार केसेस आ रहे हैं, और टेस्टिंग भी अराउंड 2.5 लाख कर रहे हैं। तो टेस्टिंग का आंकड़ा नहीं कम करके एक संकेत तो निश्चित दिखता है कि ये लहर है, ये तो नीचे आनी है। जैसे लहर ऊपर आती है वैसे वो प्लेटू होती है, प्लेटू होके नीचे आती है, तो पहले संकेत दिखने लगे हमको कि ये लहर उतरेगी। एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो वो कम होने के संकेत दिख रहे हैं हमको, लेकिन अभी भी हमको 2 हफ्ते लगेंगे। लेकिन स्पष्ट है अभी कि ये डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ट्रेंड में है।